नमस्ते सभी दर्शकों को। स्वामी न्यूज़ के इस योग व स्वास्थ्य के इस लाइव सेशन में, लाइव सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। हम कल और परसों दो दिन हमने देखा, 4 तारीख को और 5 तारीख को, कि प्राणायाम कौन से हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा दें। आज हम तीसरे दिन प्राणायाम कुछ ऐसे देखेंगे जो कि हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए अच्छे उपयोगी प्राणायाम हैं। जिनके शरीर में आग लग रही है, जिनके शरीर में बहुत गर्मी है, जिनके शरीर में गर्मी से उत्पन्न होने वाले बहुत रोग हैं, वे सारे के सारे कौन से प्राणायामों को करें, प्रतिदिन करें, तो हाई ब्लड प्रेशर थोड़ी देर में ठीक होने लगेगा। तो उसके लिए कुछ प्राणायाम विशेष होते हैं, कंडीशनल प्राणायाम होते हैं। वो क्या होते हैं? जैसे ये दाया नाक है, दाई नासिका जो है, इस दाई नासिका को कहते हैं सूर्य स्वर या फिर पिंगला नाड़ी। इस बाई नासिका लेफ्ट वाली जो है, इसको कहते हैं चंद्र स्वर या फिर इड़ा नाड़ी कहते हैं। तो इड़ा लेफ्ट में और पिंगला राइट में, तो ये दोनों अलग अलग स्वभावों को लिए हुए हैं। इसका राइट वाले का स्वभाव है गर्म और लेफ्ट वाले का स्वभाव है ठंडा। तो जो हाई ब्लड प्रेशर से परेशान लोग हैं, वे क्या कैसे करें प्राणायाम? उनको राइट को तो कर देना चाहिए बंद, लेफ्ट से श्वास भरें। फिर राइट से बाहर छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से भरें। फिर राइट से बाहर। फिर लेफ्ट से भरें। फिर राइट से बाहर। इस क्रम को 5 मिनट 10 मिनट तक लगातार करते रहें। हाई ब्लड प्रेशर थोड़ी सी देर में नॉर्मल होने लगेगा। और क्या, यानी कि ये जो लेफ्ट वाला जो स्वर है, ये ठंडा ठंडे स्वभाव का ही है, ये कभी गर्म स्वभाव का नहीं है। क्योंकि जब भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमें ठंडक लानी पड़ती है शरीर में। तो ठंडक लाने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का एक प्रयोग है, वो क्या है? इस प्राणायाम का नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। इसका दूसरा नाम भी है, उसका दूसरा नाम क्या है? चंद्रांग प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम और चंद्रांग प्राणायाम, दोनों नाम इसी के हैं। लेफ्ट से भरें, राइट से बाहर। लेफ्ट से भरें, राइट से बाहर। एक बार फिर देख लेते हैं। यदि प्रतिदिन आप अनुलोम विलोम करते रहेंगे तो बीपी की समस्या रहेगी नहीं, लो बीपी और हाई बीपी दोनों ही ठीक हो जाएंगे। एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट होता है लेफ्ट हैंड में और लेफ्ट वाले पैर में भी होता है, इसी जगह होता है। ये दोनों उंगलियां इसके ठीक नीचे, ये एक रेखा जा रही है, इस रेखा के यहाँ पर ऐसे दबाना चाहिए, यूँ दबा करके यूँ क्लॉक वाइज गोल चक्र लगाना चाहिए, क्लॉकवाइज गोल चक्र। ये हार्ट का रिफ्लेक्स पॉइंट है, एक्यूप्रेशर है। हार्ट अच्छा रहेगा तो बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, है तो ठीक हो जाएगी। ये 15 से 20 बार आप इसको यूँ पकड़ें और यूँ घुमाएं। 15-20 बार करने में 5 मिनट कुल लगेंगे। ऐसे ही उल्टे पैर में भी, लेफ्ट वाले पैर में भी आपको इसी प्रकार से करना है। ये हमारा लेफ्ट पैर है और इस लेफ्ट वाले पैर को आपको यूँ ही पकड़ना है, इसी प्रकार से इसके पॉइंट को दबाना और दबा करके ये गोल गोल घुमाना भी, अंगूठे का नाखून काट लेना। ये आवश्यक क्रियाएं हैं
एक्यूप्रेशर के बिंदु हैं, ये यदि हम करेंगे हाई बीपी तुरंत कंट्रोल करने के लिए एक्यूप्रेशर का एक और प्रयोग, लेफ्ट हैंड लेफ्ट रिस्ट बाई कलाई को देखें, इस बाई कलाई में यहाँ पर ये ऊपर का भाग है, इसमें यहाँ कोने पर यहाँ साइड में एक, ये दो और ये तीन, ये तीन पॉइंट ऐसे हैं जो हाई बीपी को कंट्रोल करते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। एक और प्रयोग बता देता हूँ हाई बीपी को कंट्रोल करने का, वो क्या हाई बीपी को कंट्रोल करने का एक और प्रयोग ये है कि अपना दायां या अपना बायां कोई भी एक हाथ आप ठंडे पानी में डुबो के रखें 15-20 मिनट, आपको बिना किसी दवाई के हाई बीपी कंट्रोल हो जाएगा। इतने सारे उपाय बता रहा हूँ, प्राणायाम बताया, एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताए, एक्यूप्रेशर के यहाँ के भुजा के पॉइंट बताए, और एक प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग कि दाएं या बाएं हाथ को आप पानी में ठंडे पानी में डुबो कर रखें 15-20 मिनट डुबो कर रखें, आपका बीपी हाई जितना भी हो रखा है कंट्रोल होकर के बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। किसी भी आयु के आप हों, किसी भी कारण से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, क्योंकि बीपी बढ़ना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। एक और प्रयोग है, जब आप नहाते हैं उस समय करने वाला प्रयोग है, जब नहा रहे हैं उस समय आपको जब मग्गा और बाल्टी से नहाते होंगे, क्योंकि भारतीय पद्धति नहाने की यही है और यही अच्छी पद्धति भी होती है, तो मग्गे को लेकर के आपको अपनी रीढ़ की हड्डी पर यूं एक धार बना करके डालनी है, स्नान कराना, मेरुदंड का स्नान कराना, रीढ़ की हड्डी का स्नान कराना, और रीढ़ की हड्डी का स्नान कराना है कई सारे मग्गों से कराना है, एक बार से नहीं कराना, एक बार नहीं करना, एक मग्गे से नहीं करना, कई कई बार, फिर ये मग्गा खाली हो जाए फिर दूसरा भरें, ठंडे पानी से करें, ठंडा फ्रिज का नहीं लेना लेकिन ठंडे पानी से करें, जैसा टंकी में अच्छा ठंडा आता है वैसा ही, फिर से रीढ़ की हड्डी का स्नान करें, फिर खाली हो जाए मग्गा, एक पतली सी धार बना करके रीढ़ की हड्डी पर डालें, यहाँ से थोड़ा फिर और नीचे, फिर वापस ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देगी। एक और घरेलू नुस्खा जो कि हमारे घर में ही होता है, लौकी का जूस पी सकते हैं, लौकी का सूप और लौकी का जूस। तो लौकी का जूस अगर हम कच्ची लौकी का जूस बना के पिए, लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, ये जरूर विशेष बात है याद रखने की, तो लौकी का जूस यदि हम पियेंगे प्रतिदिन पियेंगे तो हम हाई ब्लड प्रेशर से बच पाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड और भी बहुत सारे रोग होते हैं इससे जुड़े हुए, ये तीन चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसको हम हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये तीन चीज़ें बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं, तो आप इन तीन चीज़ों को ठीक कर पाएंगे अपने, ये आपको ध्यान रखना है इन सब। और ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, जो हार्ट के पेशेंट हैं उन सभी हार्ट के पेशेंट्स को लौकी का रस तो पीना ही चाहिए, सुबह सुबह पी ले में, शाम को पी ले में, और सर्दी का टाइम है तो लौकी का सूप बना के पिए। तो इस तरह से लौकी हमें हमारे हार्ट के लिए अमृत है, हमारे बीपी को नॉर्मल कर देती है, हाई हो चाहे लो, वैसे हाई बीपी के लिए बड़े सबसे बढ़िया है, और उसके अलावा पेट को अच्छा रखती है, खून को बढ़ाती है, लौकी इतनी बढ़िया गजब की चीज़ है। तो एक और प्राणायाम कर लेते हैं, सीख लेते हैं वो कौन सा प्राणायाम है हाई बीपी वालों को करना ही चाहिए, वो कौन सा प्राणायाम है, वो प्राणायाम है शीतली और शीतकारी, दो प्राणायाम और हैं। जिन लोगों के शरीर में पसीना बहुत आता है ना, वे लोग भी इस चंद्रांग प्राणायाम को कर लिया करें, लेफ्ट से भरा, गहरा भरा और राइट से बाहर छोड़ा, लंबा ही बाहर छोड़ा, इस प्रकार से इसको चंद्रांग प्राणायाम कहते हैं या चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। इसको अपने को रोज करना है, जब भी आपको समय मिले सुबह शाम जरूर करें, 10 मिनट कर सकते हैं शुरुआत में, 10 मिनट करें, 10 मिनट करने से आपका ब्लड प्रेशर की समस्या तो दूर हो जाएगी, और जो गर्मी लगती है ज़्यादा या फिर बीपी ज़्यादा शूट आउट होता है ऊपर की तरफ तो वो कंट्रोल हो जाएगा। फिर 10-15 दिन इसको कर लेंगे, फिर अनुलोम विलोम को करें, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से भरें और राइट से बाहर छोड़ दें, फिर राइट से भरें और लेफ्ट से बाहर, लंबी श्वास भरनी, छोटी सी नहीं भरनी, ऐसे
बीपी हाई वालों को, जिनको नींद नहीं आ रही, उनको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हमने पहले कई कार्यक्रमों में कराया है, अभी फिर करवाएंगे, एक दो दिनों में फिर मेडिटेशन का रखेंगे, योग निद्रा का भी रखेंगे, तो वो भी करना चाहिए। अनुलोम विलोम 10 मिनट प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति को भी करना ही चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी समस्त नाड़ियों का, नस नाड़ियों का शोधन करती है, शुद्ध कर देती है इनको, ये क्रिया। और अब हम शीतली और शीतकारी नामक प्राणायामों को सीख रहे हैं। हाई बीपी वालों के लिए सबसे बढ़िया प्राणायाम शीतली और शीतकारी। जीभ को बाहर निकालें और नली की तरह मोड़ें, ऐसे और इसी के अंदर से वायु को भरें, आवाज आएगी सीसी की। थोड़ी देर रोकें, और फिर राइट को क्लोज करें और लेफ्ट से बाहर छोड़ दें। फिर से एक बार देख रहे हैं। इससे अंदर का एसी ऑन हो जाता है। जिसको ज्यादा गर्मी लगती है उसको गर्मी ज्यादा नहीं लगेगी। और फिर राइट को क्लोज, देन एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। इस तरह से ये शीतली प्राणायाम भी आप 7 बार प्रतिदिन कर सकते हैं। इससे ज्यादा मत करना, नहीं तो फिर ठंड लगने लगेगी। तो शीतली प्राणायाम। दूसरा है शीतकारी। कई कई लोगों से ऐसे नहीं बन पाएगी, तो फिर ऐसे बना देना। ऐसे साइड से जा रहा है श्वास, आवाज करते हैं। अंदर आवाज करते हुए भरेंगे, और फिर दाई नासिका को बंद करें, बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। एक और प्राणायाम है जिसका नाम है शीतकारी या शीतकारी। दांतों के गैप से अपने को श्वास भरनी है, मुंह से आवाज करते हुए। पूरा भरने के बाद रोक देनी है। और फिर थोड़ी देर बाद राइट को क्लोज, देन एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। फिर से ये है शीतकारी प्राणायाम। आज हमने सीखा चंद्रांग प्राणायाम हाई बीपी वालों के लिए। आज हमने प्राणायाम, घरेलू नुस्खे, प्राकृतिक चिकित्सा तीनों ही सीख लिए, और एक एक्यूप्रेशर भी सीख लिया। ये 4 चीज़ें हमने सीखी, प्राणायाम, और जिसको हम घरेलू चिकित्सा कहते हैं वो, प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर। तो पहले प्राणायाम चंद्रांग प्राणायाम को सीखा, फिर प्राणायाम को हमने शीतकारी और शीतली को सीखा, फिर तीसरे नंबर पर शीतकारी को सीखा। तो ये 3 प्राणायाम जरूर करना। अभी जितने मेरे साथ किया होगा ना, उनका तो मुंह ठंडा ठंडा हो गया होगा। ये 3 प्राणायाम हाई बीपी वालों को प्रतिदिन करने हैं। कितनी कितनी बार करने हैं? चंद्रभेदी प्राणायाम तो करना है 5 मिनट कम से कम, 10 मिनट करना चाहिए वैसे, 5 मिनट कम से कम करें। फिर 5-10 दिनों में आपका बीपी नॉर्मल होने लगे ना, फिर अनुलोम विलोम पे आ जाना। अनुलोम विलोम बिल्कुल ऐसा है कि बीपी के बाद भी, मतलब लो हाई सबको ठीक रखेगा। फिर शीतली प्राणायाम हमने सीखा, तो शीतली प्राणायाम को भी 5 से 7 बार करें इस वाले को, और शीतकारी इसको भी 5 से 7 बार करें। ऐसे ये 3 प्राणायाम सीखें। फिर उसके अलावा हमने जिसको एक्यूप्रेशर कहते हैं वो सीखा,
प्राकृतिक चिकित्सा सीखी, हाइड्रोथेरेपी, हाथ को भिगोना, रीढ़ की हड्डी को भिगोना, रीढ़ की हड्डी का स्नान कराना, और एक लौकी घर का उपचार सीखा, घर का उपचार। एक और घर का उपचार सीख लेते हैं। हमारे पास गेहूं होती है, गेहूं हमारे मुट्ठी में जितनी एक मुट्ठी में आ जाए अच्छे ढंग से भर लें, और इसको एक गिलास में या एक लोटे में या एक भगोने में आप भिगो देवें रात को पानी डाल करके। एक मुट्ठी गेहूं और डेढ़ गिलास पानी, एक मुट्ठी गेहूं और डेढ़ गिलास पानी, इसको ढक करके रखें। स्टील के बर्तन में रखेंगे या पीतल के कांसे के बर्तन में रखेंगे तो ज़्यादा उत्तम होगा। अभी पीतल कांसे के सबके घरों में नहीं मिल पाते, तो फिर हम रखें स्टील के बर्तन में। सुबह अभी इसको 12 घंटे भीगने दें। जैसे शाम को आपने 5-6 बजे इसको भिगोया, तो दूसरे दिन सुबह 5-6 बजे आप इसको छान करके इसके पानी को पी जाएं घूंट घूंट करके। ये भी हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बड़ी अमृत तुल्य चीज़ है, गेहूं का पानी पीना, गेहूं को भिगो करके उसका पानी पीना। ये हाई बीपी वालों को बहुत गजब का लाभ करती है, बहुत गजब का। ये छोटी छोटी क्रियाएं, ये योग, ये प्राणायाम, ये प्राकृतिक चिकित्सा, ये एक्यूप्रेशर, ये घरेलू चिकित्सा, ये सब आप सबके लिए स्वामी न्यूज़ के इस मंच से हम सब प्रसारित करते हैं। यह कार्यक्रम जन सामान्य के लिए सबके लिए निःशुल्क प्रसारित होता है। आप सबसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम के लिंक को अन्य अन्य लोगों से शेयर करें, जिससे कि वे लोग भी अपने ब्लड प्रेशर और अन्य अन्य शरीर की समस्याओं से मुक्त हो सकें, और हम सब लोग पुण्य के भागी बन के स्वस्थ हो सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्र पाठ, शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो इस तरह से आज हमने हाई बीपी की यौगिक चिकित्सा, हाई बीपी की नेचुरोपैथी, हाई बीपी का घरेलू चिकित्सा और हाई बीपी की एक्यूप्रेशर जाना। आशा है आप इस कार्यक्रम से लाभ उठा करके अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को ठीक कर पाएंगे, और ठीक करके एक स्वस्थ जीवन, बिना दवाई के जो जीवन है उसको आप अपना सकते हैं। बिल्कुल रोग मुक्त अवस्था, दवा मुक्त हमारा जीवन हो, उसको अपना करके फिर से अच्छे जीवन का, सुखी जीवन का आनंद उठाएं, स्वस्थ शरीर का आनंद उठाएं। इतने ही भाव, कल फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद, आभार। स्वामी न्यूज़ का भी बहुत धन्यवाद, आभार। ओम शांति।